हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। अटैक ऑन F2, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, अटैक ऑन F2 और अटैक ऑन F7। चलिए शुरू करते हैं। एक गेम है जो D4 D5 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में है। वाइट यहाँ पे ब्लैक ने बहुत ही जबरदस्त इस गेम में अटैक किया था, और अटैक ऑन F2 कई बार हम सैक्रिफाइसेस मूव, हमारे पीस मत है, रुक कैप्चर हो रहा है, तो हम उसे इग्नोर करके अटैक कंटिन्यू करते हैं और गेम यहाँ पे जीत जाते आसानी से। D4 D5 देन C4 क्वींस गैम्बिट वाइट ने खेला है, लेकिन ब्लैक ने डिक्लाइन लाइन खेली है। नाइट C3 के बाद नाइट F6, बिशप G4, बिशप E7 सिंपल डिफेंस और डेवलप की मूव है। E3 और कैसल, यहाँ पे देख सकते हैं आपके ब्लैक ने कितना जल्दी कैसल कर लिया है। व्हाइट ने कैसलिंग जो डिले किया है उसके वजह से व्हाइट इस गेम में हार गया था। और यहाँ पे नाइट F3 NBD7 रुक C1 व्हाइट ने खेला है। C6 ब्लैक प्लेड हियर, क्वीन C2। अभी भी देखो व्हाइट ने कितने मूव तक कैसलिंग नहीं किया है, नाइन्थ मूव आ गया है। ब्लैक ने यहाँ पे A6 एक डेवलप वाली मूव भी है और पॉन टेक्स पॉन की थ्रेट भी है, जो D takes C4 देन टेम्पो के साथ B5 करने का प्लानिंग है इसमें। इसीलिए व्हाइट ने ये मूव C5 करके ब्लॉक कर दिया है। बेटर वॉज बिशप D3 हियर और देन अर्ली डू कैसल। यहाँ पे व्हाइट को कैसलिंग जल्दी करना चाहिए था लेकिन इसने किया नहीं। अब यहाँ पे ब्लैक को बहुत ही जबरदस्त अटैक का चांस मिल गया इस पोजिशन में। सबसे पहले ब्लैक व्हाइट का किंग जो सेंट्रलाइज है, अभी भी सेंटर में है, बिशप बाहर नहीं निकला है, तो कैसलिंग की भी कोई जगह नहीं अभी इनिशियल तुरंत अटैक करने के लिए। यहाँ पे ब्लैक ने सेंटर ब्रेक करने के लिए पॉन E5 किया। अब पॉन सैक्रिफाइस तो नहीं है, यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन देन नाइट G4, ये दो मूव के कैलकुलेशन के बाद उसे पॉन वापस मिल रहा है। अब बिशप टेक्स E7 फोर्स मूव है, क्वीन टेक्स E7, उसके बाद E5 पॉन के ऊपर ऑलरेडी 3 प्रेशर आ चुके हैं, ओनली 1 सपोर्ट है। अगर दूसरा सपोर्ट आएगा तो भी वो पॉन लॉस हो जाएगा। उसके बाद व्हाइट ने खेला है नाइट A5। अभी भी आप देख सकते हो कि व्हाइट कितना लेट कैसलिंग के लिए और अटैक के लिए सोच रहा है। ये बहुत ही मिस्टेक वाली मूव है नाइट F4, क्योंकि व्हाइट का प्लानिंग है कि नाइट B6 R8 ब्लैक कंटिन्यू करता है और यहाँ पे बिशप D3। अब यहाँ व्हाइट कैसलिंग करने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पे एक मूव वेटिंग मूव है H6, क्योंकि यहाँ पे बिशप D3 वाला जो है H7 पे थ्रेट है। उसके बाद व्हाइट ने एक और मिस्टेक की है, यहाँ पे जल्दी से कैसलिंग करने की जरूरत है और व्हाइट ने नाइट D4 खेला है, नाइट D4 और यहाँ नाइट E takes, नाइट D takes E5, नाइट B6, ये भी एक मिस्टेक वाली मूव है। व्हाइट कंटिन्यूस डेवलप करता रहता है, पीस को आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन कैसलिंग नहीं कर रहा है। अब इसका फायदा, यहाँ पे रुक मर रहा है और यहाँ ब्लैक ने बहुत ही ब्रिलियंट सोचा है कि अगर वो रुक सैक्रिफाइस कर दे तो क्या होगा। तो नाइट टेक्स F2 इमीडिएट इफेक्ट। नाइट टेक्स F2 में क्वीन टेक्स F2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट D3 फॉर्क की थ्रेट है और रुक के ऊपर अटैक भी है। अगर वो किंग से नाइट लेता है तो नाइट G4 बहुत ही स्ट्रांग मूव आ रही है यहाँ पे। तो व्हाइट ने यहाँ पे बिशप चेक दिया, किंग H8, उसके बाद कैसलिंग किया है। कैसलिंग करने के बाद नाइट G4 अभी भी रुक सैक्रिफाइस में पड़ा है। नाइट टेक्स रुक देन नाइट E3 फॉर्क। अब यहाँ पे क्वीन और रुक के ऊपर अटैक है, क्वीन E1 प्लेड बाय व्हाइट और नाइट F1, बिशप B1। व्हाइट ने अपना बिशप स्ट्रॉन्ग बिशप बचाने का सोचा है और उसका प्लानिंग है कि क्वीन C2 करके चेकमेट की थ्रेट दे सकता है। यहाँ पे नाइट H2 और उसके बाद नाइट B6, और जो नाइट अंदर है उसे बचा लिया है और बिशप पे अटैक किया है। उसके बाद बहुत ही ब्रिलियंट मूव है नाइट F3। आफ्टर G takes F3 क्वीन G4 चेक, और यहाँ पे विथ डबल अटैक क्वीन इंटरपोज। अगर क्वीन G2 किया तो क्वीन टेक्स C1 चेक, और यहाँ पे ब्लैक विन हो रहा है। क्वीन इंटरपोज के बजाय एक और मूव है
किंग टेक्स नाइट, अगर किंग टेक्स नाइट करते हैं तो रूक टेक्स क्वीन लॉस, आफ्टर नाइट टेक्स देन क्वीन, चेक डबल अटैक नाइट जी थ्री देन क्वीन टेक्स बी टू, और यहाँ पे वाइट को रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि किंग पे भी अटैक है, रुक पे भी अटैक है, बिशप पे भी अटैक है, मल्टीपर्पज अटैक है, तो यहाँ पे ब्लैक गेम जीत रहा है। तो इस गेम से आपको एक बात तो सीखने को जरूर मिलेगी कि कैसलिंग डिले कभी नहीं करना चाहिए। अगर अपोनेंट ने कैसलिंग कर लिया है तो आपको जल्दी से जल्दी कैसलिंग कर देना चाहिए। ये एफ टू पे अटैक किया था इसमें ब्लैक ने। दोस्तों अपोनेंट के कैसलिंग, जो हमारा नया चैप्टर है कैसलिंग को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। जब हमने कैसल कर लिया है, अपोनेंट ने नहीं किया है, तो कैसलिंग कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ पे एक गेम आपको बताऊंगा। e4 जो बेसिक ओपनिंग है, e5 नाइट f3 नाइट c6 bc4 bc5। दोस्तों ये गुइको पियानो की एक लाइन है और इस लाइन में आप अलग अलग तरीके से अटैक कर सकते हो, ओपनिंग भी बढ़िया कर सकते हो। और इस गेम की खासियत यह है कि इसमें आपको एक ब्रिलियंट ओपनिंग भी सीखने को मिलेगी। यहाँ पे व्हाइट ने b4 पॉन सेक्रीफाइस किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट टेक्स b4 में सिंपली आपको नाइट टेक्स e5 वाला पॉन मिल रहा है। बिशप टेक्स b4, ये पॉन सेक्रीफाइस किस लिए किया गया है, यहाँ पे सेंटर कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर c3 देन बिशप c5 देन d4। अब देखो बिशप के ऊपर पॉन नाइट, मतलब आफ्टर पॉन टेक्स देन फिर से बिशप पे अटैक आएगा और d4 पे आपका ऑलरेडी दो दो सपोर्ट है, तो बिशप को b6 वापस जाना है। उसके बाद कैसल, अब इस पोजीशन में व्हाइट ने जल्दी कैसल कर लिया है, व्हाइट टोटली सेफ हो गया है। ब्लैक का किंग साइड वाला नाइट भी अभी नहीं निकला है और यहाँ पे जरूरी मूव है d6, अदरवाइज व्हाइट e5 एडवांस कर देगा, फिर नाइट f6 भी नहीं निकल पाएगा। नाइट c3 सिंपल डेवलपमेंट है। बिशप d7 थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला मूव है क्योंकि bd7 से बेटर है नाइट je7 और उसके बाद कैसल। तो bd7 के रिप्लाई में व्हाइट ने देखा है कि ब्लैक ने कैसल नहीं किया है, तुरंत e5 सेक्रीफाइस, पॉन टेक्स पॉन देन रुक e1। अब यहाँ पे पॉन को पिन कर दिया है डायरेक्टली और यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया nge7 के साथ में, नाइट g5 अटैक ऑन f7। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिशप नाइट दोनों के अटैक है। अगर ब्लैक ने इस समय कैसल किया तो कोई फायदा नहीं क्योंकि क्वीन h5 बहुत ही डेंजर मूव आ रही है यहाँ पे। उसके रिप्लाई में ब्लैक ने एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है बिशप e6 करके, और कोई चांस भी नहीं है ब्लैक के पास। बिशप टेक्स e6, एफ टेक्स e6, नाइट टेक्स e6, देन क्वीन d6। अब आपके नाइट के ऊपर ब्लैक ने प्रेशर दिया है और यहाँ पे नाइट g7 चेक, किंग f8 कैसे अटैक करते हैं खास ध्यान रखो। यहाँ पे बहुत कुछ मर रहा है, व्हाइट का नाइट अटैक में है, नाइट भी मर रहा है, यहाँ पे सेंटर पॉन भी कैप्चर हो रहा है, नाइट भी हैंगिंग है जो c3 वाला नाइट। फिर भी व्हाइट ने ब्लैक ने कैसल नहीं किया, किंग को डिस्टर्ब कर दिया, उसका फायदा पूरा लिया है। यहाँ पे क्वीन g4 करके नाइट को सपोर्ट कर दिया है, ब्लैक ने रिप्लाई दिया बिशप d4 और अपने नाइट को पिन किया, लेकिन इसका काउंटर अटैक बहुत ही बढ़िया था। नाइट e4 अटैक ऑन क्वीन, क्वीन b4 और उसके बाद नाइट e6 चेक, आफ्टर किंग देन नाइट f6 चेक, किंग f7 और फिर से नाइट g5 चेक, अगेन चेक, और यहाँ पे किंग नाइट g5 चेक में व्हाइट का अगर ब्लैक नाइट ले लेता है f6 वाला तो मेट इन 3 और मेट इन 4 कुछ मूव में फोर्स मेट हो रही है, जैसे कि क्वीन e6 चेक। यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया और अब व्हाइट ने ड्रॉ नहीं चाहा कि ये तो मैं बहुत ही अटैक में हूँ, दो मूव कर दिए है, तीसरी मूव में ड्रॉ नहीं करूँगा। इसमें बिशप सेक्रीफाइस किया क्योंकि re1 जो क्वीन से चेकमेट की थ्रेट पर पड़ा है, तो बिशप a3 और यहाँ पे आफ्टर क्वीन टेक्स a3 देन क्वीन e6 फोर्स मेट है। फोर्स इसे मेट बचाएंगे कैसे, नाइट d8 से नहीं बच सकती क्योंकि क्वीन सेक्रीफाइस आता है आफ्टर क्वीन f7 एंड नाइट चेक मेट, बहुत ही ब्रिलियंट मेट है दोस्तों। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक तो ओपनिंग के स्टेप, जो आप वाइट से अगर खेल रहे हो तो यहाँ पे आप तुरंत b4 करके सेंटर कंट्रोल कर लीजिए,
E4, E5, नाइट F3, गुइको पियानो में B4 वाली मूव बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत सारे प्लेयर ये खेलते हैं। और उसके बाद C3 देन D4 सेंटर कंट्रोल के लिए, और बिशप B6, हालांकि बिशप B4 इतना इफेक्टिव नहीं है, BB4 में सिंपली आप बिशप D2 करके खेल सकते हो। यहाँ पे कैसलिंग होने के बाद बहुत ही प्रेशर ब्लैक के ऊपर आएगा, जैसे कि नाइट G5 और नाइट C3 से पहले, नाइट G5 से पहले नाइट C3 इज बेटर, और यहाँ पे E5। आप अपने मूव ऑर्डर चेंज कर लेते हो, अगर भूल जाते हो कोई भी मूव करने में कोई भी, तो भी दिक्कत नहीं होती है वाइट को इसमें। तो दोस्तों और भी जबरदस्त अटैक वाली गेम्स, और मैं आपको कैसे कब अटैक करना है इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हर 2 दिन में मेरा एक वीडियो अपलोड होता रहता है। जल्दी मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।